नमो नमः छात्रा, सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपका जो सप्तम पाठ है, सातवां पाठ, भारत जनता हम, यानी मैं भारत की जनता हूँ, इस पाठ को हमने पढ़ा था, समझा था, और आज हम इसके अभ्यास प्रश्न जो हैं उन्हें देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इस पाठ का जो प्रथम प्रश्न है वो है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत, यानी पाठ में जो ये पद्य दिए गए हैं, कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इन्हें आपको सस्वर यानी स्वर के साथ में बोलना है, तो ये कार्य आप स्वयं करें। द्वितीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी एक पद में हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो आइए देखते हैं। अहम वसुंधराम किम मन्नी, मैं पृथ्वी को क्या मानता हूँ या मानती हूँ। तो हमने पढ़ा था कुटुंबम, यानी हम पूरी पृथ्वी को एक परिवार मानते हैं। मम सहजा प्रकृति कास्ति, मेरा सहज स्वभाव क्या है। तो हमने पढ़ा था कि मैत्री में सहजा प्रकृति, यानी मित्रता हम भारत के लोगों का सहज स्वभाव है। और तृतीय प्रश्न है, अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि, यानी मैं किससे ज़्यादा कठिन भारत की जनता हूँ। तो हमने पढ़ा था कि हम फूलों से भी कोमल हैं तो हम वज्र से भी कठोर हैं। तो कुलिशात या वज्रात दोनों का एक ही अर्थ है, कुलिश अर्थात वज्र से भी कठिन। और अगला प्रश्न, अहम मित्र से चक्षुषा किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि, अर्थात मैं मित्र के नेत्रों से या मित्र की दृष्टि से किसको देखती हूँ भारत की जनता। तो हमने पढ़ा था कि पूरे विश्व को, पूरे संसार को हम मित्र की दृष्टि से देखते हैं। तो इस प्रकार संसार में इसका उत्तर होगा। तो प्रश्न दो जो है वो पूर्ण होता है। तृतीय प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य ने लिखा, यानी ये जो प्रश्न है हमें पूर्ण वाक्यों में इनके उत्तर देने हैं। तो जो पहला प्रश्न है इसका, भारत जनता हम कई परिपूता अस्ति, यानी भारत जनता जो है वो किसके द्वारा पवित्र की गई है। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि भारत की जनता अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी जो है, अध्यात्म की अमृतमयी नदी में स्नान के द्वारा पवित्र की गई है। तो अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानी परिपूता अस्ति। दूसरा है, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, यानी पूरा जो दुनिया है, पूरा विश्व जो है वो किससे मुग्ध हो गया है, किस पर मोहित हो गया है। तो इसका उत्तर है कि विश्व जो है मम काव्य, मेरी काव्यों के द्वारा, मेरे गीतों के द्वारा और मेरे नृत्यों के द्वारा, यानी इस प्रकार की हमारी सारी कलाएं हैं, इनसे सारा विश्व ही मोहित हो गया है, मुग्ध हो गया है। इसका अगला प्रश्न है, अहम किम किम चुनौमी, मैं क्या क्या चुनती हूँ भारत की जनता। तो हमने पढ़ा था कि भारत की जनता दोनों चीज़ों को बैलेंस के साथ चुनती है, कि क्या उसको अच्छा लगता है और क्या उसके लिए लाभदायक है। तो अहम प्रेय, प्रेय का मतलब होता है जो उसको प्रिय हो, और श्रेय का मतलब जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो, उसके लिए लाभकारी हो, उसके लिए उन्नतिकारक हो। तो श्रेय और प्रिय दोनों को ही, उभयम यानी दोनों को ही मैं चुनती हूँ भारत की जनता। अगला प्रश्न है, अहम कुत्र सदा दृश्य, मैं किस ओर सदा देखती हूँ, मेरी दृष्टि में हमेशा क्या रहता है। अहम विश्वस्मिन जगति सदा दृश्य, पूरा विश्व मेरी दृष्टि में रहता है। समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति, पुनः है ये कि पूरा विश्व किस किस से मोहित है, गीता ही नृत्य काव्यश्च मुग्धम अस्ति। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है, संधि विच्छेदम पुरियत। तो हमने यहाँ ये जो शब्द हैं इनके पूरे ही संधि विच्छेद करके दिखाए हैं, आइए देखते हैं। विनय उपेता, विनय धन उपेता, कुसुमादपि, कुसुमात धन अपि, इसमें द भी कर सकते हैं यहाँ पर और त भी कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। चिनोम्युभयम और चिनोमी धन उभयम, यहाँ जो है कुसुमाद अपि में जो दिया गया है इसमें त को द हुआ है, तो ये व्यंजन संधि है। और चिनोमी उभयम में जो ई है और इसका बना है यहाँ पर य, तो ये संधि होगी यण संधि। चिनोमी उभयम में यण संधि है, स्वर संधि का भेद है। और पुस्तक के पीछे आपके दी गई हैं संधियाँ, आप विस्तार से देख सकते हैं। नृत्यैर मुग्धम, इसमें नृत्यैः धन मुग्धम, यहाँ ये जो विसर्ग है इसका बना है र, तो ये संधि है विसर्ग संधि। और प्रकृति ही रस्ती, यहाँ भी विसर्ग का र बना है, तो ये हो गई संधि विसर्ग। लोक क्रीड़ा आसक्ता, तो लोक क्रीड़ा धन आसक्ता, यहाँ आ और आ को मिला करके वापस से बड़ा आ बना है, तो ये संधि हो गई दीर्घ। तो इस प्रकार ये संधि वाला प्रश्न हमने कर लिया। चतुर्थ प्रश्न के बाद पंचम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें विशेषण विशेष्य पदों को मिलाना है, ये जो पद हैं सारे विशेषण हैं और ये सारे पद क्या हैं, विशेष्य। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, षष्ठी की कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, जो विशेषता को बताए वो विशेषण और जिसकी विशेषता बताई जाए वो हो गया विशेष्य। तो सुकुमारा भारत जनता, सहजा प्रकृति ही, विश्वस्मिन जगति, समम जगत, समस्ते संसारे। इस प्रश्न को करते हुए हमें ध्यान रखना है लिंग विभक्ति वचन जो हैं, और ये एक समान होने चाहिए, और साथ ही थोड़ा अर्थ को भी देखें, तभी प्रश्न हम अपने आप आराम से कर सकते हैं।
षष्ठ जो प्रश्न है, छठा प्रश्न, उसमें समानार्थक पदानी मेलियत, इसमें हमें एक ही अर्थ वाले शब्दों को मिलाना था, तो हमने यह मिला दिया है। जगति का पर्याय हो गया संसारे, कुलशात का वज्रात, प्रकृति का स्वभाव, चक्षुषा का नेत्रेण, तटिनी का नदी और वसुंधराम का पृथ्वी, क्योंकि इनके एक ही अर्थ हैं। तो इस प्रकार ये छठा प्रश्न भी हमारा पूर्ण होता है। अब अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न जो है, इसमें उचित कथनों के समक्ष आम यानी हाँ और अनुचित के समक्ष ना यानी ना हमें लिखना है। तो आइए देखते हैं। अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार के नेत्र से सबको देखती हूँ। तो हमने पढ़ा था कि हम मित्रता की दृष्टि से सबको देखते हैं, तो इस प्रकार ये ना हुआ। और अगला जो है, समम जगत मम काव्यई मुग्धम अस्ति, इसका अर्थ है कि जो पूरा दुनिया, पूरा विश्व जो है वो मेरी काव्यों के द्वारा मोहित है, मुग्ध है। तो ये वाली बात सही है, इसलिए क्या हो गया इसका आम। फिर है, अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, तो इसमें अविवेका का मतलब होता है मूर्ख, तो मैं भारत की जनता मूर्ख हूँ, तो ये तो बात गलत हो गई, इसलिए इसमें क्या आएगा ना। और फिर है अगला वाक्य कि अहम वसुंधराम कुटुम्बम ना मन्ये, मैं पूरी पृथ्वी को परिवार नहीं मानती हूँ। तो हमने तो कहा था कि हम परिवार मानते हैं, इसलिए ये वाक्य भी गलत हो गया, तो इसमें आएगा ना। और अंतिम वाक्य है, अहम विज्ञान धना ज्ञान धना चास्मि, मैं विज्ञान धन और ज्ञान धन से युक्त हूँ, तो ये बात एकदम सही है, तो ये क्या हो गया आम। तो इस प्रकार हमने जो अंतिम प्रश्न था आम ना वाला वो भी कर लिया। इसके साथ ही आपका जो अभ्यास कार्य है पाठ सप्तम का वो समाप्त होता है। आशा है आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।